इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू पिक आउट एट अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है ना। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो मैगजीन बहुत थोड़ा रीड आउट करते हैं, तो ये इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर नंबर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। मैगजीन्स में हम देखते हैं सेक्शन बने हुए होते हैं जो आप सबके इंटरेस्ट को, जो डिफरेंट है, अगर खाने का है, पीने का है, मेडिकल का है, कोई, मैं उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए होते हैं। तो एक ही मैगजीन में आपको अपने इंटरेस्ट की सब चीज़ें मिल जाती हैं, डिफरेंट लोगों को उनके इंटरेस्ट की डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। द लाइफ ऑफ मैगजीन इज़ परहैप्स द लॉन्गेस्ट ऑफ द मीडिया, सारे मीडियम से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पे होता है मैगजीन। अब सर हम लोग अपनी कब्र साफ करें तो कितने सालों के मैगजीन्स भी पड़े हुए होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। द मैसेज लाइफ इन द एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सपेंडेड ईदर बाय कीपिंग मैगजीन एट अ पर्टिकुलर प्लेस और बाय टेयरिंग आउट द एडवर्टाइजमेंट पेज। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अगर हमें कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैगजीन अगर हमने वेस्ट करना हो तो हम उस पेज को फाड़ के अपने पास रख लेते हैं। ये तो अक्सर हम देखते भी हैं एक एरिया पर, पहले बहुत ज़्यादा होता था ऐसा। सो ये चीज़ें भी इस तरह से उनकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। द लाइफ ऑफ द मैगजीन इज़ इंक्रीज बाय पासिंग इट अलॉन्ग टू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आपने ऑब्वियसली ये अच्छा है, आपने अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया, उन्होंने भी लिया रिलेटिव्स को, तो इस तरह से उसकी लाइफ एक्सपेंडिंग बढ़ती चली जाती है, ठीक हो गया। ऐसे डिसएडवांटेजेस, द मेजर लिमिटेशन फैक्टर टू यूज़ द मैगजीन इज़ द कॉस्ट। ऑब्वियसली ये न्यूज़पेपर से ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। बहुत कम लोग, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उसको पढ़ते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द सेल और देयर इज़ अ चांस एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द मैगजीन टू लेट टू बी इफेक्टिव, ठीक हो गया। यानी सेल लगी, आपने मैगजीन जो है वो उठाई अगले महीने और आपको पता चल, ओह पिछले महीने तो सेल थी, उसमें ऐड आया हुआ था, बट आपने तो मैगजीन ही देर से हटाया। तो मतलब दे आर डिसएडवांटेजेस, एवरी हैज सम एडवांटेजेस वेल एज डिसएडवांटेजेस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, थैंक यू।